अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेम एंड फ्राई। आज जो है ना वो मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, टमाटर मैंने अच्छी तरह धो के काट लिए हैं, बीन्स हैं, गाजरे हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और ये मैक्रोनी और ये चिकन क्यूब्स हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो है ना वो हम बॉयल करेंगे मैक्रोनी को, उसके बाद फिर हम जो है ना वो बाकी जो है वो मसाला वगैरह बनाएंगे। अब हम इसके अंदर जो है ना वो पास्ता डालेंगे बॉयल करने के लिए। इसके अंदर मैंने साल्ट डाला था, थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल डाला था और पास्ता डाला है। इसको बॉयल करेंगे और जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो इसको छान लेंगे। ये देखें, ये ना पास्ता जो है वो बॉयल होने वाला है बस। ठीक है, एक दो मिनट बस इसको और करेंगे तो इंशाल्लाह तरह से ये बॉयल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये पानी छान लेंगे और ठंडे पानी से जो है ना इसको रिंस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। पास्ता जो है बॉयल हो गया था, मैंने इसको छान लिया और हमें इसको ठंडे पानी से जो है वो धो रही हूँ ताकि इसकी चिपचिपाहट जो है ना वो निकल जाए और ये बहुत अच्छा करके ठंडा भी हो जाएगा और चिपके कभी नहीं। सबसे पहले आयन डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो प्याज डाल है। अब हम जो है ना कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, बस अब इसको पेटा ले लेंगे। टमाटर जो है ना कुछ हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर जो है ना कटी हुई गाजरें डाल देंगे, ठीक है, और मिक्स करेंगे। डालेंगे थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सा जो है ना अदरक पाउडर। अब जो है ना ये गाजरें जो हैं थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं, अब हम इसके अंदर जो है ना शिमला मिर्च डालेंगे, कटी हुई शिमला मिर्च मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बीन्स, अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब हम इसके अंदर जो है ना वो बंद गोभी डालेंगे अच्छी तरह से। हम डालेंगे पास्ते के अंदर ये है 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च पाउडर है, साल्ट एज टू टेस्ट है, उसके बाद 2 चिकन क्यूब हैं और ये जो है ना वो मैक्रोनी मसाला है। इसको ऐड करेंगे, हम मसाला जो है ना वो ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और बस अब इसको लीड लगा के हम कुक होने देंगे। ये देखें, ये जो है ना अच्छी तरह से वेजिटेबल सारी जो है ना वो कुक हो गई हैं, ये देखें, ठीक है। और ये नूडल्स ना मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। अब हम इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है, ये जो है ना मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर जो है ना ये हम ये वाले नूडल्स डालेंगे। अभी इसको ओपन करते हैं, देखें क्या सूरत आ रहा है। ये देखें कि ये ना नूडल्स जो हमने इसके अंदर डाले थे ना बारीक वाले वो कुक हो गए हैं। तो अब हम जो है ना इसके अंदर पास्ता ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना इसके अंदर ये पास्ता ऐड करेंगे, कर दिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है, बस अब इसको 1-2 मिनट को दम पे रखेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है, हम डिश आउट करेंगे। पास्ता बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।